अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ मुल्तानी सैमा विल टेक योर पीरियड ऑफ ड्राइंग सब्जेक्ट. टुडे इज अवर फर्स्ट पीरियड. वेलकम टू यू ऑल इन ड्राइंग क्लास स्टैंडर्ड 8. आज हमारा ड्राइंग का फर्स्ट पीरियड है और आज हम ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, ये आपकी ड्राइंग की बुक है, नवनीत क्रिएटिव ड्राइंग बुक. आप सभी के पास ये बुक होगी और साथ में आपको ड्राइंग की प्लेन बुक जिसमें हम ड्रॉ करेंगे वो भी रखना है. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 8, पिक्चर कंपोजिशन स्केच स्टडी ऑफ ह्यूमन फिगर्स. यहाँ हमें ह्यूमन फिगर्स दिए हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, जो हम 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं. बराबर, हम सिर्फ देख लेंगे कैसे हमें पिक्चर ड्रॉ करना है, आज सिर्फ हम उसके बारे में ही देखेंगे. यहाँ हमें ह्यूमन फिगर्स के कितने पिक्चर दिए हैं और जो हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए हम ये वाले पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसके बारे में ये वाले पिक्चर देखने हैं. ओके, 10th पेज नंबर कैलीग्राफी स्केच, जो भी हम यहाँ हमें स्क्वायर दिए है और स्क्वायर के अंदर कितने लाइंस या कर्व्स वो सब दिया है, जो जिसे हम कैलीग्राफी लाइंस बोलते हैं. ओके, और उसके आधार पर हम उसके फॉर्म्स रेडी करते हैं जो आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है, जैसे ट्री डिज़ाइन, क्रिएटिव नेचर ड्राइंग, हाउस, जिसके अंदर हम लोगों ने जो कैलीग्राफी लाइंस है उसका, जो कैलीग्राफी लाइन्स है उसके हिसाब से हम लोगों ने पिक्चर के अंदर लाइन ड्रॉ की है. बराबर, आप लोगों को दिखता है और ये भी हम 7th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं. उसके बाद हमें पेज नंबर 11 पर कैलीग्राफी फॉर्म्स, जिसमें हमें फिश, एलिफेंट, ट्री, फ्लावर, ऐसा सब कुछ दिया है जिसे आप देख रहे हो, पिकॉक. बराबर, ये वाला भी हम लोग देख चुके हैं, ये वाला भी हमें ड्रॉ नहीं करना है अभी. नेक्स्ट हम देखेंगे कैलीग्राफी क्रिएटिव ड्राइंग एक्टिविटी. यहाँ हमें क्रिएटिव ड्राइंग दिया है जिसके अंदर लोगों ने सन, बर्ड्स एंड ट्री के फॉर्म्स को लेकर एक पिक्चर पूरा बनाया और जिसमें कैलीग्राफी यूज़ की है. आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों पिक्चर के अंदर, जिसमें दूसरे में काइट एंड रीड ऑफ थ्रेड, काइट और जो फिरकी जिसे हम बोलते हैं रीड ऑफ थ्रेड वो दिया है, और जिससे हम लोगों ने कैलीग्राफी के हिसाब से पूरा पिक्चर बनाया है. आज हम देखेंगे पेज नंबर 14, ऑब्जेक्ट ड्राइंग. बराबर, ऑब्जेक्ट ड्राइंग या इसे बोलते हैं हम मैन मेड पिक्चर. बराबर, आप लोगों को अंदर दिख रहा होगा कि हमें टू फॉर्म्स दिया है. फर्स्ट के अंदर पोर्ट, अम्ब्रेला, बॉटल, बुक, ये सब चीज़ें दी है. बराबर, सेकंड के अंदर हम लोगों को दिया है कप एंड सोसर, बुक, थर्मोस, जार. बराबर, ये बॉक्स दिया है. अब ऐसा हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखना है. मैं जैसे आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही आपकी क्रिएटिव ड्राइंग बुक और साथ में प्लेन बुक जिसमें हम सारे पिक्चर ड्रॉ करेंगे दोनों के अंदर कंप्लीट करना है. बराबर, ये दोनों में से मैं एक पिक्चर आपको ड्रॉ करना दिखा रही हूँ. आपको भी कोई भी एक ही पिक्चर, जो पिक्चर आप ये बुक में ड्रॉ करोगे वो आपको प्लेन बुक में नहीं करना है. कोई भी एक पिक्चर आप ये बुक में ड्रॉ करोगे और ये दोनों में से जो प्लेन बुक में ड्रॉ करोगे, दोनों पिक्चर अलग अलग होने चाहिए. इसके अलावा भी आप अलग अलग फॉर्म्स को लेकर पिक्चर बना सकते हो. बराबर, पहले हम स्ट्रेट लाइन मीडियम में ड्रॉ करेंगे. लुक हियर, आप लोगों को दिख रहा है मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है. बराबर, यहाँ से हम पॉट ड्रॉ करेंगे. मैं ये वाला पिक्चर आपको ड्रॉ करना बता रही हूँ, आप दोनों में से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन प्लेन बुक में अलग पिक्चर ड्रॉ करना है. हमने स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि हम दोनों तरफ से बराबर पिक्चर ड्रॉ कर सकें. Thank you.
पोर्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद हमें यहाँ दिया है बॉक्स जो हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पहले हम दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों का मेज़र सेम होना चाहिए। उसके बाद जैसा हमने पोर्ट का ऊपर का पार्ट ड्रॉ किया था वैसे ही ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर हमें यहाँ लाइनिंग दी है जो लाइनिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे और जो बाकी की लाइन है वो हम इरेज कर देंगे। बॉक्स हमने रेडी कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे बुक, अम्ब्रेला और साथ में एक बॉटल दिए है, बराबर। वो आप लोगों को ड्रॉ करके उसमें शेडिंग करना है। जो कैसे हम पेंसिल शेडिंग करेंगे वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। हमारी पेंसिल को हम क्रॉस में रखकर पहले आउटलाइन देंगे, ये जो मीडल में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसको इरेज कर देनी है। यहाँ पे हम लोगों ने डार्क शेड किया है। उसके बाद हम लाइट करते जाएंगे और लास्ट में हम एकदम ही लाइट कर देंगे, बराबर। हमारी फिंगर से या फिर आप कॉटन से इसे और फिर हम आउटलाइन फिर से कर देंगे। जैसे हम लोगों ने ये इससे किया ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दोनों तरफ डार्क कर कर बीच में हम लाइट भी बना सकते हैं। पेंसिल सेटिंग करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना कि पिक्चर एकदम नीटली क्लीन होना चाहिए, बराबर। ऐसे आपको पूरा पिक्चर कंप्लीट करना है आपकी दोनों बुक के अंदर। ओके स्टूडेंट, आगे का पिक्चर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे और नेक्स्ट पीरियड में सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पीरियड में मुझे आप लोगों के दोनों पिक्चर कंप्लीट होने चाहिए। ओके।